नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे, अमेरिका में भारतीय विदेश मंत्री के जवाब की क्यों हो रही है खूब तारीफ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अमेरिकी दौरे पर दिए गए जवाब की काफी तारीफ हो रही है। दरअसल सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ वॉशिंगटन में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक पत्रकार द्वारा रूस से भारत द्वारा तेल खरीदे जाने के सवाल पर एस जयशंकर ने जवाब दिया कि आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता, इसलिए अपनी चिंता उधर कर। एस जयशंकर के इस जवाब ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर उनकी नजर है। इस समय एस जयशंकर और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, लेकिन ब्लिंकन की इस टिप्पणी पर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बुधवार को वॉशिंगटन में भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने ब्लिंकन की टिप्पणी पर दो टूक प्रतिक्रिया दी। एस जयशंकर ने कहा कि सोमवार को वॉशिंगटन में 2+2 बैठक में भारत में मानवाधिकार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। लोग हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक रखते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपना विचार रखने का हक है। हमें उन हितों के अलावा लॉबियों और वोट बैंक पर भी बोलने का अधिकार है जो इन्हें तूल देते हैं। हम इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर भी हमारी राय, खासकर जब इनका संबंध हमारे समुदायों से हो। मैं आपको कह सकता हूं कि अमेरिका समेत बाकियों के यहां मानवाधिकार की स्थिति को लेकर हमारे पास कहने के लिए काफी कुछ है। जयशंकर का ये साफ गोई भरा जवाब सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोर रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कहते हैं कि आखिरकार किसी ने अमेरिका को सच्चाई आसान भाषा में बताई, यह नया भारत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप पर हमें गर्व है, ऐसा कपिल मिश्रा कहते हैं। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका में 2+2 बैठक के लिए गए हुए। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। तुर्की और रूस जैसे कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के बारे में सबसे बड़े लोकतंत्र और साझा मूल्यों के तौर पर बात करता है, लेकिन वह हमारे लोकतंत्र का अनादर भी करता है, जैसा कि ब्लिंकन के बयान में देखने को मिला। ब्लिंकन ने दरअसल कहा था कि हम साझे मूल्यों पर अपने भारतीय साझेदारों से नियमित तौर पर बात करते हैं। भारत में कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हमारी नजर है। ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकार का मुद्दा इलहान उमर के उस आरोप के आधार पर उठाया था जब उमर ने भारत के मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी। उमर ने कहा था कि मोदी सरकार ने भारत में मुस्लिम धार्मिक अनुष्ठानों को अपराध घोषित कर दिया। रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर ब्लिंकन ने कहा था कि भारत के रूस से रिश्ते दशकों में विकसित हुए हैं, जब अमेरिका भारत का साझेदार नहीं बन सका था। आज हम ऐसा कर सकते हैं और चाहते हैं कि भारत हमें अपनी मर्जी से सहयोगी बनाए। रूस से ऊर्जा सौदों को लेकर ब्लिंकन ने कहा कि बेशक हम सभी देशों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो रूस से अतिरिक्त ऊर्जा आयात नहीं करें। हर देश अलग स्थिति में है, उनकी जरूरतें भी अलग अलग, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सहयोगी और साझेदार देश रूस से अपनी ऊर्जा खरीद को ना बढ़ाए। सोमवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल बैठक भी हुई। जो बाइडन जब पीएम मोदी से बात कर रहे थे तो वॉशिंगटन में जो बाइडन के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी मौजूद थे। भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री अमेरिका 2+2 बैठक में शामिल होने गए। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की यह चौथी वार्षिक बैठक थी। यह बैठक तब हो रही थी
जब यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा महीना चल रहा है, तो जाहिर तौर पर जो दबाव अमेरिका लगातार भारत पर बनाना चाह रहा था, भारत ने दो टूक जवाब उनकी धरती पर ही दिए। और ऐसा भारत के विदेश मंत्री ने किया, उन्होंने साफ कह दिया कि हम उतने तेल नहीं खरीदते जितना कि यूरोप से खरीदा जाता है, और साथ ही साथ मानवाधिकार के मामलों पर भी कह दिया कि हमारे पास भी बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए हमें कोई सीख ना दे। तो जाहिर तौर पर ये उनका जवाब काबिले तारीफ। राजशास्त्र में इतना ही, आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।